स्टेज पर थिरक रही ये डांसर और उसके पास स्टेज पर ही खड़े हुए ये चार युवक डांस का फुल एंजॉय कर रहे हैं। तीन लोगों ने तो अपने कंधे पर बंदूक भी टांग रखी है। तभी इस लाल टी शर्ट वाले लड़के ने तमंचा निकाला और हवा में फायरिंग शुरू कर दी। इसे देखने के बाद इसका साथी भी जोश में आ गया और तमंचे पर डिस्को के बीच अपनी बंदूक से फायर कर टेंट में छेद करना शुरू कर दिया। तस्वीरें धौलपुर जिले की हैं, जहां 25 नवंबर को धीमरीपुरा गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। शादी में आए मेहमानों के मनोरंजन के लिए डांसर्स का भी इंतजाम किया गया था, जिसके बाद कुछ युवकों ने तमंचे पर डिस्को वाली धुन पर हथियारों से दनादन फायरिंग कर दी। मंचलों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस ने फायरिंग करने वाले शहीदों की पहचान करवा ली और एक मंचले को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तमंचे पर डिस्को के संबंध में जानकारी की गई तो इलाका थाना स्थित गांव धीमरी में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की सूचना मिली थी, जो दिनांक 25 तारीख की शादी थी। इसके संबंध में आज गांव धीमरी में पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे कब्जे से एक कट्टा और कारतूस बरामद किया चुका है। अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी की जा रही है। शादी ब्याह जैसे आयोजनों में प्रशासन की ओर से हर्ष फायरिंग पर सख्त प्रतिबंध है। ऐसा करने वालों के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी थोड़ी सी मौज मस्ती के चक्कर में तमाम लोगों की जान आफत में डाल देते हैं। कई बार तो हर्ष फायरिंग में गोली लगने से लोगों के मरने तक की भी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मनचले हैं कि मानते ही नहीं। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।